नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आज हमारे साथ हैं द इंडियंस टेक से हेमंत यादव जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इंडियंस टेक चैनल को सिर्फ 6 महीने में 2 लाख तक पहुंचाया जीरो से, और किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में। तो हेमंत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हेमंत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप करते क्या हैं और साथ साथ जो आपका द इंडियन टेक चैनल है, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? सर देखिए, वैसे तो मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं MCA पास आउट हूँ जयपुर से, मणिपाल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में शुरू से ही मेरा, जैसे मैंने मास्टर डिग्री कम्प्लीट की तो मेरा शुरू से ये उद्देश्य था कि मैं कोई ना कोई बिजनेस करूँ, क्योंकि जॉब में कभी भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि जॉब करके मैं अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर सकता था, अपने शौक पूरे नहीं कर सकता था। इस वजह से मैंने कभी भी जॉब के अंदर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में मैंने कुछ बिजनेस प्लानिंग बनाई और कुछ बिजनेस भी किए, ऑफलाइन ऐसे बिजनेस किए, लेकिन मुझे ऑफलाइन बिजनेस में कभी भी सफलता हासिल नहीं हुई। इस वजह से मैं देखता रहा, मेरे खुद के फैमिली बिजनेस थे तो फैमिली ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम जॉब नहीं करना चाहते तो तुम अपना फैमिली सेटअप भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर हमें पढ़ाया भी अपनी फैमिली ने और अपने को बिजनेस भी अगर अपनी फैमिली दे रही है तो ये तो कोई बात हुई नहीं, ठीक है। क्योंकि अपन भी, अपना भी कुछ होता है कि एक स्टेटस होता है, तो मैंने सोचा कि ये तो मेरा स्टेटस कुछ हुआ नहीं, लोग मेरे को अपनी फैमिली के नाम से जानेंगे। अगर अपना खुद का कुछ अपन करते हैं तो लोग अपने को अपने नाम से जानेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपन खुद का कुछ ऐसा करें जिससे लोग अपने को जाने, अपने नाम से अपने को पहचाने, ना कि अपनी फैमिली के नाम से अपने को पहचाने। तो ऐसे ही मैं बैठा सोच रहा था कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, जिसे मैं करके लोगों की हेल्प भी कर सकूं और वहां से मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा सकूं। तो दोस्तों, मैंने जैसे अपनी फैमिली का बिजनेस को स्टार्टअप किया, मैं उनके साथ में काम कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक यूट्यूब का ऑप्शन आया, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल अपने बिजनेस के साथ में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मात्र 6 महीने के अंदर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैंने इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प की। काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमारे चैनल के थ्रू, हमारे बिजनेस आइडियाज़ के चैनल के थ्रू, द इंडियंस टेक चैनल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल हुई है और वो लोग आज के टाइम में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से लोगों की हेल्प के साथ में अपना खुद का भी एक बिजनेस ओपन कर लिया और आज मैं अपने चैनल के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ और लोगों की भी मदद कर रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, और लोग भी इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, आप कुछ अपना करना चाहते थे, आपने कुछ ऐसा किया जहाँ पर आपने अपना तो शुरू किया ही किया, साथ में लोगों की भी मदद कर रहे हैं उनका अपना काम करवाने के लिए। सो ये 2-in-1 काम है और आप सब लोग भी ये सब कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे हेमंत जी से कि आप कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को, क्या क्या, किस किस टाइप के आप बिजनेस सर्च करते हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए सर, बात ये होती कि आज के टाइम में COVID-19 के टाइम में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जिस कंपनी में एक टाइम पे 10,000 लोग काम करते थे, वहाँ पर आज के टाइम में 5,000 से 6,000 लोग काम कर रहे हैं। जो लोग पहले जो काम कर रहे थे 5,000 लोग, वो बिल्कुल घर पे बैठे हैं, उनको कोई भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर उनके पास में इतना ही ज़्यादा पैसा होता, लाखों रुपए उसके पास होते, तो वो खुद का कुछ स्टार्टअप कर चुके होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है। इस वजह से वो लोग घर पर बैठे हैं और तलाश कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा बिजनेस मिले जिसे हम एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सके। बिल्कुल, ठीक है। तो हम हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज बताते हैं, जहाँ से कोई भी व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति और एक एजुकेटेड व्यक्ति, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, एक लो क्लास का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहाँ से कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। जिसके पास 500 रुपए वो भी स्टार्ट कर सकता है और जिसके पास 1,00,000 रुपए वो भी यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर XYZ बिजनेस आइडियाज बताए जाते हैं, जो कि हमारे मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर बिजनेस आइडियाज बताए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में कुछ जानी मानी कंपनीज होती है, उनकी फ्रेंचाइजी के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं, उनको बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, तो वो बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो फ्रेंचाइजी वाली कंपनीज होती है, वो लोग पूरा सेटअप करके देती हैं, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उन लोगों को, तो वो उनकी हेल्प करती हैं, तो इस वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बिजनेस स्टार्ट करने में। और मात्र कुछ ही पैसे के अंदर वो फ्रेंचाइजी लेकर के किसी भी एक छोटे से छोटे गाँव में और एक बड़े से बड़े शहर में कहीं पर भी स्टार्टअप करके अपना बिजनेस को चला सकते हैं और अपना अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं और अपने शौक पूरे कर सकते हैं। तो ये
हेमंत जी ने आपको बताया कि आपके पास 500 रुपये हों, लाख रुपये हों या जितने मर्जी पैसे हों, आपको इनके चैनल पर हर तरह के बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर के इंसान को भी फोकस कर रहे हैं और उनको भी फोकस कर रहे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन बिजनेस आइडिया नहीं है। तो बिजनेस आइडियाज़ देना या फिर आपको एक अच्छा बिजनेस कंसल्ट करना ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है और हेमंत जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार इंडियन टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और जानें कि यहाँ पर आपको क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो हेमंत जी मैं लास्टली आपसे चाहूँगा आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहेंगे, कोई भी दो शब्द आपकी तरफ से। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर हम किसी भी बिजनेस को सोचते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है लेकिन हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, कुछ और लोग होते हैं जो लोग हमें बोलते हैं कि नहीं तू ये बिजनेस नहीं कर सकता, तो ऐसी सोच आपको कभी भी नहीं रखनी है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो पूरी तरह से उसके अंदर घुस जाएं। उसके बाद में आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, आपको कुछ भी नहीं देखना है, सीधा उसके अंदर पूरा घुस जाना है उस फील्ड के अंदर और मन लगाकर दिल से काम करना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको 101% उस बिजनेस के अंदर सफलता हासिल होगी। बहुत बढ़िया, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।